हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं हमेशा वहाँ पर हम लोग यही कहते सुनते दिखाई देते हैं, लोग अच्छे नहीं हैं, लोगों में कमियां हैं। ये वास्तव में हमारी कमी है। हमारे संपर्क में ही ऐसे लोग क्यों आते हैं जो अच्छे नहीं हैं या जिनमें बुराइयां ज़्यादा हैं? ऐसे लोग भी हैं जिनके संपर्क में बुरे लोग आते ही नहीं हैं। वास्तव में संसार में बुरे लोगों की संख्या बहुत कम है, अच्छे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बस व्यक्ति हमारे पास वैसा ही पहुंच पाता है जैसे कि हम हैं। ये बात थोड़ा देर लगेगी समझने में, लेकिन है बिल्कुल सत्य। लोग जिसे आम पसंद है वो आम की दुकान में जाता है, जिसे केले पसंद है वो केले की दुकान में जाता है, जिसे जो फल पसंद है, जिसे जो पेड़ पसंद है, जिससे जो व्यक्ति पसंद है वो उसके पास में जाता है। इससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि बाकी लोगों के पास जाने वाले लोगों की संख्या कम है या बाकी लोगों को पहचानने वाले लोग कम हैं। ऐसा नहीं है, उसकी वास्तविकता यही है कि आपकी जैसी गुणवत्ता होगी आपके पास वैसे लोग पहुंचेंगे, जैसी उसकी चाह होगी वैसे व्यक्ति के पास वो जाएगा। अब आपके जैसा व्यक्ति आपको ही चाहेगा, जो आपके जैसा नहीं होगा वो आपको नहीं चाहेगा। ठीक है, इसलिए हम ये ना सोचें कि अच्छे लोग कम हैं या हम ही सबसे अच्छे हैं, ऐसा भी नहीं है। इस दुनिया में अच्छे लोगों की संख्या अधिक है, बुरे लोग बहुत नॉमिनल हैं, बहुत कम लोग हैं बुरे। कुछ बुराइयों के कारण उनकी बुराई ही बुराई दिखने लगती है समाज में, जबकि उनमें सारी की सारी बुराई नहीं होती है। दुनिया में अच्छे लोग ज़्यादा हैं, सच्चे लोग ज़्यादा हैं, इसीलिए दुनिया इतनी खूबसूरत है, ये दुनिया इतनी सुंदर है। हम लोग अपनी दृष्टि में गड़बड़ हैं, हम लोग आईने को साफ करते हैं। हम लोगों को अपनी दृष्टि को साफ करना होगा, अपने दृष्टि दोष को अलग करना पड़ेगा। और फिर देखिए, जैसे ही हमने ये कर लिया हमको सब मिल गया, चारों तरफ हमें अच्छाई अच्छाई दिखाई देने लगेगी, कोई भी बुरा नहीं दिखेगा। थोड़ा एक बार करिए इस बात को, प्रयोग करके देखिए, अच्छा लगेगा, समझ आएगा, आप भी अपने अनुभव देंगे फिर कि दुनिया में अच्छे लोग ज़्यादा हैं। मुझे तो आज तक कोई बुरा मिला ही नहीं, मुझे तो जितने भी मिले सब समर्पित मिले, सब पवित्र लोग मिले, सब अच्छे अच्छे मिले, बुरा कोई मिला ही नहीं मुझे। मेरे जीवन में आज तक मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला है, सच कहता हूँ आपसे। आप सभी पवित्र आत्माओं को नमन हृदय से।